स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नीट 2020 में जो भी सवाल आए हैं उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपको बड़ा ही बेसिक सा दिया गया है और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टॉपिक पे है। क्या है पहला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द एवरेज थर्मल एनर्जी, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज और आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है दैट इज 3/2 kb इनटू t। ओके, बी ऑप्शन आपको दिया गया है दैट इज 5/2 kb इनटू t। सी ऑप्शन आपको दिया गया है 7/2 kb इनटू t। एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन टू यू दैट इज नन ऑफ द अब नन। तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, पहले ये समझो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे बताओ मोनोएटॉमिक गैस की, किसकी? मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? वो होती है 3। ठीक है, सबसे पहली बात, मोनोएटॉमिक गैस जो होती है आपकी, मोनोएटॉमिक गैस उस कौन से एग्जांपल दो, जैसे कि आपकी हीलियम गैस, ये इनर गैस है, जितने भी इनर गैसेस है ज़ेनॉन, ये सभी मोनोएटॉमिक गैसेस है और इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। अगर मैं डायएटॉमिक गैस अगर लेता हूं, डायएटॉमिक गैस जैसे कि O2 गैस, H2 गैस, N2 गैस, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है? 5। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। The average thermal energy of a, चलो यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है, of a monoatomic gas होना चाहिए, monoatomic gas molecule is, ये सवाल है। अगर आप, आपकी गैस monoatomic है, diatomic है, triatomic है, अगर ये mention नहीं करोगे तो इस question को आप answer नहीं कर सकते। Clear? अब जरा options पे आओ। सबसे पहला options पे देखो kb, ये kb क्या है? ये होता है आपका बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट? बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट आपका टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर। टी इज व्हाट? टेम्परेचर। ओके, अब जरा देखो इसका सिंपल स्टैंडर्ड सा आंसर है दैट इज ए। मोनोएटॉमिक गैस का एवरेज थर्मल एनर्जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी थर्मल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल के पास वो होती है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की होती है 3/2। अगर इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं दूं कि कोई भी गैस का जनरल फॉर्मूला अगर मैं दूं, फिर वो मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो या ट्रायटॉमिक हो, तो उसका इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आता है दैट इज इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू F/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर। क्लियर? ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आपकी गैस डायटॉमिक होती तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या इंडिकेट करता है यहां पे? F इंडिकेट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट करते जाओ और आंसर लिखते जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम, ये आपसे पूछा गया था नीट 2022 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं आपको, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। लगे तो द सिलेंडर कंटेन, क्वेश्चन नंबर 2, द सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस। ओके, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस एट ए प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल, और आपको टेम्परेचर दिया गया है एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उन्होंने पूछा है फाइंड प्रेशर ऑफ द गैस, सॉरी प्रेशर नहीं, डेंसिटी ऑफ गैस। आपको डेंसिटी पूछा गया है सबसे, और ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं, मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं। लगे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं दैट इज 0.2 केजी पर मीटर क्यूब, 0.2 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी 0.02 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, देन सी ऑप्शन दिया गया है दैट इज 0.1 केजी पर मीटर क्यूब। एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू यू दैट इज 0.5 केजी
पर मीटर क्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन देख लो, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। अब ऑप्शंस में से अगर कोई आपका ऑप्शंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जरा मैं सॉल्व करके देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, एक बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस। कितना आता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल इज 1/3 रो, दैट इज डेंसिटी, v स्क्वायर rms। सर ये v स्क्वायर rms क्या है? v स्क्वायर rms आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या आता है, v rms इक्वल्स टू होता है बच्चों आपका अंडर रूट ऑफ 3 rt अपॉन मोलर मास। क्या होता है? अपॉन मोलर मास। यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो मोलर मास का सिंबल है मैंने एम एल से दिखाया गया है, किताबों में एम जीरो से दिखाया जाता है जनरली, लेकिन मुझे याद रखने के लिए बच्चों को आसानी जाए इसलिए मोलर मास, ओके। एम के बाद एल आता है मोलर पढ़ते समय, इसलिए मैं एम एल लिखता हूं, ओके। किताब वाले क्या करते, किताब वाले एम ओ लिखते, मो एम ओ मो, वो भी सही है, गलत नहीं है। टी क्या है आपका टेम्परेचर, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। चलो फटाफट वैल्यू इसको पुट करते हैं, 1/3 डेंसिटी तो आपको फाइंड ही करना है, देन वी स्क्वायर आरएमएस, वी स्क्वायर आरएमएस को क्या लिखूं मैं, वी स्क्वायर करने के बाद रूट हटा दो उसका, 3RT अपॉन मोलर मास। चलो फॉर्मूला आपके पास बन गया है, 3 कैंसिल डायरेक्टली, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन था ये, तो दिमाग लगाना नहीं था, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन आर इनटू टी। ये कितना आसान दिख रहा है मेरा क्वेश्चन है, अभी भी आसान नहीं, अभी भी आपको तुम गलतियां करने की, गलतियां कहां पे होती है अब मैं बताता हूं तुमको। देखो सबसे पहले यूनिट्स, अगर तुमने यूनिट्स गलत लिखने में आ गया तो क्या क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे तुम। अब जरा देखो यहां पे केयरफुल क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है। देखो सबसे पहले गिवन डेटा, प्रेशर क्या गिवन था तुम्हें, 249 किलो पास्कल, मुझे किलो पास्कल कभी नहीं चाहिए, मुझे किलो को हटाओ सिर्फ पास्कल चाहिए, जल्दी बोलो 249 10 टू दी पावर 3 पास्कल। पास्कल आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट है, उसके साथ चेंजेस मत करना, ठीक है। इसको एटमॉस्फेयर या बार में कभी मत लिखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहा हूं मैं, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में प्रेशर को जनरली एटमॉस्फेयर में लिया जाता है, फिजिक्स से मत लेना, क्लियर। आ जाओगे टेम्परेचर आपको गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस, कभी डिग्री सेल्सियस से मत लेना वैल्यू, हमेशा उसे केल्विन में कन्वर्ट करना। कैसे करोगे कन्वर्ट, 273 प्लस 27 सो आंसर इज व्हाट, 300 केल्विन। नेक्स्ट आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू होती है 8.4 यूनिट। आर का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आर का यूनिट पे कैसे, मतलब बेसिक सवाल अगर पूछ लिया ना उन्होंने कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, या फिर इसका डायमेंशन पूछ लेते हो, तो इसका यूनिट याद रखना स्टूडेंट हमेशा जूल पर मोल पर केल्विन, क्लियर। अब और क्या गिवन डेटा है आपके पास, हाँ ये क्या है, दिस इज मोलर मास। अब समझो मोलर मास कितना होता है आपका, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। अब यहां पे देखो क्या गलतियां करोगे तुम लोग, ये देखो क्या है, मोल तो ऐसा यूनिट है, ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, तो ग्राम को सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करो और अब लिखो वैल्यू, ठीक है। मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं नीचे वाले पोर्शन को, मोलर मास को, दैट इज मोलर मास को 2 ग्राम पर मोल मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 × 10⁻³ केजी पर मोल। अब ये सही है, यहां पे मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे और ऑप्शन टू उसने वैसे ही बनाया था कि तुम फंसो करके, मुझे मालूम है जनरल ध्यान में देते हैं अपन 2 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, उसको केजी में कन्वर्ट करना होता है ऐसा क्वांटिटीज में, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसमें भी ट्रिक्स थे। अब इसको क्या, अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनाया था अपन ने, पी इंटू मोलर मास अपॉन डेंसिटी इंटू अपॉन डेंसिटी इंटू क्या था, एक सेकंड मैं भूल गया फॉर्मूला, दैट इज पी इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर यानी कि 3 आर टी बाय मोलर मास।
तो डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, रो से दिखाया मैंने डेंसिटी, प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय व्हाट, आर इनटू टी। चलो प्रेशर के वैल्यू जल्दी फटाफट पुट करो, 249 10 टू द पावर 3, मोलर मास कितना है, मोलर मास इज 2 10 टू द पावर -3 अपॉन आर 8.4, टेंपरेचर कितना है 300। इसको सॉल्व करो और मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 0.2 केजी पर मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिखा था ना मैंने, वो आंसर आएगा। मैं ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होते, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता। सो करेक्ट आंसर इज आई गेस 0.2 केजी पर मीटर क्यूब, ये है आपकी डेंसिटी। क्लियर, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी अपन। नेक्स्ट सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल एक्चुअली मीन फ्री पाथ पे है, इस पे है मीन फ्री पाथ पे है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस, ओके आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को हम लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करेंगे, विथ डायमीटर कैपिटल स्मॉल डी, विथ डायमीटर स्मॉल डी एंड नंबर ऑफ डेंसिटी, एंड डेंसिटी दी गई आपको, डेंसिटी नंबर दैट इज स्मॉल एन कैन बी एक्सप्रेस एज, ओके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से, देखो स्टूडेंट 1 बाय रूट टू ऑप्शन फटाफट देख लेता हूं, एन पाई डी स्क्वेयर, ओके एन पाई डी का स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन रूट टू एन स्क्वेयर पाई डी, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने, ओके ऑप्शन नंबर सी लिखा है कुछ, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कुछ 1 अपॉन रूट टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन लास्ट ऑप्शन इज 1 अपॉन रूट टू एन पाई डी, ठीक है 1 अपॉन रूट टू एन पाई डी, इसका जो स्टैंडर्ड आंसर है ए, इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या है ए। मेन फ्री पाथ जो होता है बच्चों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। बोर्ड पे देखो मेरे तरफ नहीं, बहुत गर्मी हो रही है पता है मुझे, ठीक है तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब। देखो अब यार 1 अपॉन लैम्डा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट टू एन पाई डी का स्क्वायर। व्हाट इज एन, वहां पे देखो डेंसिटी नंबर दिया गया है, व्हाट इज डेंसिटी नंबर, डेंसिटी नंबर मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, ये जो एन है ना आपका बच्चों ये होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वेयर एन अपॉन वी, ये आंसर होना चाहिए इसका एक्चुअल में। अगर एन अपॉन वी को मैं स्मॉल लेटर से दिखाऊं तो करेक्ट आंसर होगा अपना ए, ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और मेरी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप में से किसी को भी ऑफलाइन बैच में अगर बैठना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। मेरे बाकी वीडियोस को भी देखिए, बाकी वीडियोस में मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के दूसरे क्वेश्चंस को लेके आऊंगा आपके सामने कि वो नीट में कैसे पूछते हैं। क्लियर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।